चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी थी। धनानंद के द्वारा मिले अपमान का बदला चाणक्य को अब इस बालक में दिख रहा था, जिसके चेहरे का तेज उसके भावी राजा बनने की गवाही दे रहा था। इससे पहले कि चाणक्य उस बच्चे से उसके परिवार, उसके कुल के बारे में पूछते, उस बच्चे ने हाथ जोड़ते हुए उनसे कहा, क्षमा करें, मुझे जाना होगा। समय पर लकड़ियां लेकर नहीं पहुंचा तो दंड निश्चित है। चाणक्य यह सुन थोड़ा चकित रह गए और उन्होंने उस बच्चे से सवाल किया, कौन देगा तुम्हें दंड? किस गुरुकुल से हो? गुरु कौन है तुम्हारा? चंद्रगुप्त ने उनकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, गुरु नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं तो गुलाम हूं, अपने मालिक के वहां मजदूरी करता हूं। चंद्रगुप्त का जवाब सुन चाणक्य के हृदय में उसके प्रति सम्मान मानो और बढ़ गया। उस बच्चे ने जो साहस और दयालुता का परिचय दिया था, वो किसी श्रेष्ठ गुरु की शिक्षा नहीं, बल्कि गुलामी में अपना जीवन बिताने के बावजूद उसके अपने आदर्श, अपने सिद्धांत थे। छोटे चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़ते हुए अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जाने लगा। चाणक्य ने उससे पूछा, कौन है तुम्हारा मालिक? मैं उससे मिलना चाहता हूं। मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ तक्षशिला चलकर अपनी शिक्षा पूरी करो। उस बच्चे ने पास ही रखे अपने से दो गुने वजन के लकड़ी के गट्ठर को उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, आप तक्षशिला के आचार्य हैं? मैं भी पढ़ना चाहता था, लेकिन शायद वो मेरे भाग्य में नहीं है। आप मेरे मालिक मन्ना देव से मिल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपकी कोशिश बेकार जाएगी। यह सुन चाणक्य ने उत्सुकता से सवाल किया, क्यों? बेकार क्यों जाएगी? चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, क्योंकि मन्ना देव अपने गुलामों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। फिर भी अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। चाणक्य उस बच्चे की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं, आज तुम्हारे मालिक की जीत होगी या मेरी। ऐसा कहकर वो चंद्रगुप्त के पीछे पीछे उसके गांव की तरफ चल दिए। कुछ ही समय में दोनों जंगल के किनारे पे बसे छोटे से गांव में जा पहुंचे। गांव के किनारे पे मन्ना का एक बड़ा सा घर था। पूरे गांव में अलग से दिख रहे एक संपन्न घर को देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि ये मन्ना का ही घर था। उसके पास चंद्रगुप्त जैसे सैकड़ों गुलाम थे, जिनसे वो अपने काम तो करवाता ही था और सही दाम मिलने पर उन्हें बेच भी देता था। आज के दिन भी मन्ना के गुलामों की बोली लग रही थी। काफी मोल भाव के बाद एक व्यापारी मन्ना के 10 गुलाम लेकर वहां से निकल गया। ये नजारा देख चाणक्य को समझ तो आ गया कि मन्ना इतनी आसानी से चंद्रगुप्त को उन्हें नहीं सौंपने वाला। धनराशि गिनते हुए मन्ना की नजर जैसे ही चंद्रगुप्त पर पड़ी तो उसके चेहरे की खुशी को क्रोध में बदलते हुए देर नहीं लगी, वो जोर से चिल्लाया, पूरा दिन निकाल दिया जंगल में और वो भी इतनी सी लकड़ियों के लिए। कल तक इसकी 5 गुना लकड़ियां लाएगा तभी भोजन को हाथ लगाना। मन्ना की बर्बरता राजा धनानंद से कम नहीं थी, वो उतना ही क्रूर और निर्दयी था जितना कि धनानंद। चाणक्य तुरंत उसके पास गए और उसको नमस्कार करते हुए बोले, इस बच्चे का कोई दोष नहीं है, इसको क्यों सजा दे रहे हो? इसने तो मेरी जान बचाई है। मन्ना ने उपहास करते हुए कहा, आपकी जान तो बच गई लेकिन मेरा तो नुकसान हो गया ना, चुका दीजिए मेरे नुकसान का मूल्य, मैं इसको भोजन दे दूंगा। चाणक्य ने विनती करते हुए कहा, मान्यवर, मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य चाणक्य हूं। मेरी विनती है कि अगर आप इस बालक को मुझे शिक्षा देने के लिए मेरे पास सौंप दें तो एक दिन आपको आपका मूल्य का 100 गुना अवश्य मिल जाएगा। चाणक्य की बात सुन मन्ना जोरों से हंसा और बोला, व्यापारी हूं मैं, मुझे सपने ना ही दिखाएं तो बेहतर होगा। जिस दिन उचित धनराशि लेकर आ जाएंगे, ये क्या, इससे बेहतर गुलाम दे दूंगा। और आखिर क्या दिखा आपको इस नकारे में? मन्ना की बात सुनकर चाणक्य बोले, मगध का भविष्य
एक शिक्षक की नजरों से देखेंगे तो मगध का सम्राट। पर आप तो व्यापारी हैं और आपको इसमें बस एक गुलाम ही दिखेगा। चाणक्य को सुन मन्ना और वहां खड़े गुलाम जोरों से हंसने लगे। मन्ना ने चंद्रगुप्त को उसके बालों से पकड़ा और धक्का देते हुए कहा, ये और राजा, इसे राजा बनाओगे? दिन में चलते फिरते अच्छे सपने देख लेते हैं आप। चाणक्य से यह देखा नहीं गया और वो चंद्रगुप्त को जमीन से उठाते हुए गुस्से में बोले, सपने देखने का अधिकार उन्हीं को होता है जो उसे पूरा करना जानते हो, और ये मैं अभी सिद्ध कर सकता हूं। मन्ना ने कुटिल मुस्कान के साथ चाणक्य को देखा और कहा, कैसे करेंगे सिद्ध? चाणक्य ने उत्तर दिया, लड़ा लीजिए इस बालक को अपने किसी भी योद्धा से, यह विजयी हुआ तो मेरा शिष्य बनेगा, और अगर हार गया तो मैं भी आपका गुलाम बन जाऊंगा। यह सुन मन्ना ने अट्टाहस किया और अपने सबसे ताकतवर गुलाम को चाणक्य के सामने खड़ा कर कहा, हरा दीजिए मेरे गुलाम माया देव को बगैर किसी हथियार के, और ले जाइए अपने भावी सम्राट को। मन्ना का इशारा मिलते ही मायादेव चंद्रगुप्त के सामने आ खड़ा हुआ। मायादेव की विशाल कद काठी को देख चंद्रगुप्त घबरा गया। युद्ध शुरू होने से पहले चाणक्य चंद्रगुप्त के पास गए और उसके डर को कम करने के लिए उसके कान में कुछ कहा, और अगले पल चंद्रगुप्त और माया अखाड़े में एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। मायादेव ने पहला वार किया लेकिन चंद्रगुप्त फुर्ती दिखाते हुए उसके प्रहार से बच किनारे की तरफ निकल गया। तभी वहां खड़े गुलाम ने चंद्रगुप्त को पकड़ वापस माया के सामने ढकेल दिया। माया ने फिर से उस पर वार किया लेकिन चंद्रगुप्त एक बार फिर अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसके प्रहार से बाल बाल बचा, और इस बार मौका मिलते ही उसने पूरी ताकत से मायादेव के घुटनों पर प्रहार किया। माया को एक पल के लिए झटका लगा, इससे पहले कि वो संभलता चंद्रगुप्त ने उसी घुटने पे जोरदार दूसरा प्रहार किया। अब मायादेव का भारी भरकम वजन ही उसका दुश्मन बनने लगा। घुटने की चोट के चलते उसको चलने में दिक्कत होने लगी। चंद्रगुप्त अपना तीसरा प्रहार करता कि अचानक उसका ध्यान भटका और पलक झपकते ही वो माया के चंगुल में आ गया। मायादेव ने उसे हवा में घुमाया और एक तरफ किसी पत्थर की तरह फेंक दिया। वो जमीन पर जा गिरा। उस एक पल का भटकना चंद्रगुप्त को महंगा पड़ गया। चाणक्य ये देख थोड़ा निराश हो गए। मायादेव का वार देख मन्ना और वहां उपस्थित सभी गुलामों ने उत्साहित होकर हो हल्ला करना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने अपने को संभाला और उससे पहले कि मायादेव अगला वार करता उसने उस शोर में दबी हुई दूर से आ रही एक चीख सुनी और तुरंत वहां से तेजी से भाग निकला। उसे भागता देख मन्ना चिल्लाया, अरे वो देखो आचार्य, भाग गया आपका राजा। अब हाथों में कमंडल नहीं, बेड़िया पहनने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। चाणक्य को भी ये देख अचंभा हुआ लेकिन उन्हें पता था कि चंद्रगुप्त डर से नहीं बल्कि किसी और कारण से वहां से भागा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता एक आदमी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचा और मन्ना की तरफ देखते हुए बोला, आपकी पत्नी को वहां गौशाला में उस अदमखोर तेंदुए ने घेर लिया है, उनके प्राण संकट में हैं, जल्दी चलिए। यह सुनते ही मन्ना सन्न रह गया। चाणक्य को समझ में आ गया कि चंद्रगुप्त ऐसे क्यों अचानक भाग गया। मन्ना वहां से तेजी से गौशाला की तरफ भागा और उसके पीछे चाणक्य और बाकी लोग भी। इधर चंद्रगुप्त हवा की तेजी से भागता हुआ गौशाला के निकट आ पहुंचा। बाहर लोगों की भीड़ जमा थी, सभी चिल्ला रहे थे, कोई तो उसे बचाओ, अरे कोई तो अंदर जाओ। लेकिन गौशाला के अंदर जाने की हिम्मत किसी में ना थी। बिना समय गवाए चंद्रगुप्त गौशाला के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर गायों के झुंड में भी अफरा तफरी थी, वो इधर उधर भागती हुई जोर जोर से हवा से लगा रही थी। पर उस आदमखोर तेंदुए को भला गाय से क्या मतलब, उसके मुंह पर तो मनुष्य के खून का स्वाद चढ़ चुका था। चंद्रगुप्त ने ध्यान दिया तो देखा कि मन्ना की पत्नी जिसे वो माई बोलता था गौशाला के पीछे के हिस्से से दबे पांव निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी हरकत पे तेंदुए की नजर पड़ चुकी है। चंद्रगुप्त ने यह भांप लिया कि अब उसकी माई की जान खतरे में पड़ने वाली है,
और उनको बचाने के लिए उसके पास ना के बराबर समय है। चंद्रगुप्त ने वहीं पड़े एक मजबूत लकड़ी के टुकड़े को बड़ी फुर्ती से बिना आवाज के अपने हाथ में उठा लिया। तेंदुआ जैसे ही माई की तरफ हमले के लिए बढ़ा, चंद्रगुप्त हवा में उछला और तेंदुए के सिर पर लकड़ी से जोर का वार किया। वार इतना घातक था कि तेंदुआ वहीं पर गिर गया और अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। माई, अब आप सुरक्षित हो, मैंने तेंदुए को मार दिया है, चंद्रगुप्त ने माई की तरफ देखते हुए कहा, जो इस हमले के डर से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई थी। वो डर से कांप रही थी। चंद्रगुप्त ने उनके उठने में मदद की। उसी समय वहां पे मन्ना और उसके पीछे चाणक्य भी आ पहुंचे। मन्ना ने अपनी पत्नी के पास आकर चिंतित होते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूं। इसने मेरी जान बचा ली, नहीं तो जाने क्या हो जाता। ये बोलते वक्त मन्ना की पत्नी की आंखों में कृतज्ञता के भाव थे। मन्ना भी चंद्रगुप्त की बहादुरी देखकर हैरान था। मन्ना हैरान था कि जिसे उसने सबसे कमजोर बालक समझा था, आज उसने ऐसा कारनामा करके दिखाया जो बड़े से बड़े सूरमा भी ना कर पाए। एक आदमखोर तेंदुए को मौत के घाट उतारना आसान न था, लेकिन चंद्रगुप्त ने ऐसा करके अपनी वीरता का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया था। मायादेव चंद्रगुप्त की बहादुरी देख के खुश था और साथ में हैरान भी कि पहले उसने एक बलशाली योद्धा मायादेव को जोरदार प्रहारों से घायल किया और अभी एक तेंदुए को मारकर उसकी पत्नी की रक्षा की। चाणक्य मन्ना देव के करीब आते हुए बोले, शारीरिक बनावट किसी की वीरता का प्रमाण कभी नहीं होती। साहस जन्म लेता है भीतर से। जो इंसान साहसी है वो बड़े से बड़े योद्धाओं का सामना करके उनको हरा सकता है, क्योंकि साहस परिस्थिति के सामने खड़े रहने में मदद करता है। मन्ना देव अपनी पिछली बातों पे पछतावा महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्षमा करें आचार्य, लेकिन एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में चल रहा है कि पहलवान मायादेव से लड़ने के पहले आपने इसको कान में क्या बोला था? मुस्कुराते हुए चाणक्य बोले, युद्ध केवल ताकत से ही नहीं बुद्धि से भी लड़ा जाता है, और जब इंसान के पास ताकत की कमी हो तो उसकी बुद्धि उसका शस्त्र बनती है। मैंने इसे बस एक युक्ति बताई थी कि जब इंसान का वजन अधिक हो और अगर उसके घुटनों पर वार किया जाए तो उसके शरीर का भार ही उसका दुश्मन बन जाता है और वो अचानक से कमजोर पड़ जाता है। मन्ना देव चाणक्य की प्रतिभा को समझ चुका था कि ये कोई साधारण आचार्य नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान और अनुभवी आचार्य है। मन्ना की पत्नी भी आचार्य चाणक्य की बातों से प्रभावित दिखी और उसने मन्ना की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा। मन्ना समझ गया कि वो आचार्य के बारे में जानना चाह रही है। ये तक्षशिला के आचार्य हैं और चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, उसे शिक्षा दीक्षा देना चाहते हैं। मन्ना की बात सुन उनकी पत्नी ने कटाक्ष किया, और आपने अपने गुलाम की आजादी की कीमत मांगी होगी, पर आचार्य ने ना सही, मेरी जान बचाकर चंद्रगुप्त ने अपनी आजादी की कीमत चुका दी है। इसे आप जाने दें, ये गुलामी के लिए नहीं, गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए बना है। चाणक्य ने कृतज्ञता भाव से मन्ना की पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मन्ना ने भी मनी मन इस बात को मंजूरी दे दी, क्योंकि उसे भी समझ आ रहा था कि कैसे चंद्रगुप्त ने अपनी जान पे खेल के उसकी पत्नी की जान बचाई थी। मन्ना देव जिसके लिए अभी तक छोटा चंद्रगुप्त बस एक गुलाम था, आज उसके जाने पर भावुक हो गया। गुलामों को बेचना उसका व्यापार था, लेकिन आज न जाने क्यों करुणा ने उसके हृदय में जगह बना ली थी। चाणक्य भी ये देख द्रवित हो रहे थे। चंद्रगुप्त को जाता देख मन्ना देव की पत्नी की आंखें भर आई और उसने चंद्रगुप्त को अपने सीने से लगा लिया। एक गुलाम होने के बावजूद चंद्रगुप्त में मन्ना देव की पत्नी के प्रति करुणा और सम्मान का भाव था। दोनों पति पत्नी ने चंद्रगुप्त को ऐसे विदा किया मानो अपने पुत्र को विदा कर रहे हो।
ये देख चाणक्य को अपनी पत्नी की याद आ गई। चंद्रगुप्त और चाणक्य उनसे विदा लेकर वहां से चल दिए। चाणक्य को अब तक्षशिला जाने से पहले अपनी पत्नी यशोधरा से मिलना था, जो कि कुछ समय से अपने मायके में थी। उनका मायका मगध की सीमा के समीप बसे एक छोटे से गांव में था। चाणक्य अब अपने ससुराल की तरफ चल दिए। रास्ते पे चलते हुए चाणक्य को यशोधरा की चिंता सता रही थी। उनके मन में अनेकों सवाल उठ रहे थे। अगर यशोधरा तक धनानंद के दरबार वाली खबर पहुंच गई होगी, फिर तो वो किस हाल में होगी? हो सकता है वो पाटलिपुत्र पहुंच चुकी हो। किसी उधेड़बुन में उलझे हुए वो जैसे ही अपने ससुराल पहुंचे तो उनकी चिंता को सत्य में बदलते देर नहीं लगी। यशोधरा खबर मिलते ही पाटलिपुत्र की तरफ निकल चुकी थी। यह सुन चाणक्य की चिंता और बढ़ गई। उनके लिए मगध वापस जाना तो खतरनाक था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक था यशोधरा का उनकी पत्नी के रूप में पकड़े जाना। चाणक्य के मन में बस एक ही विचार था कि मगध पहुंचकर एक बार अपनी पत्नी को सकुशल देख लें, तो फिर आगे का मार्ग तय करना उनके हाथ में था। इसलिए वो बिना कोई पुनर्विचार किए वापस मगध की तरफ चल दिए। यशोधरा को लेकर उनकी चिंता उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। उनकी चिंता भांपते हुए चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या हुआ आचार्य, आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त की तरफ देख एक बनावटी मुस्कान के साथ बोले, चिंता मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ती, लेकिन हर चिंता का समाधान करते हुए आगे बढ़ना ही विकल्प है। यह सुन चंद्रगुप्त ने प्रश्न किया, तो आपकी चिंता का क्या समाधान है आचार्य? चाणक्य ने उत्तर देते हुए कहा, तक्षशिला जाने से पहले हमें एक बार मगध जाना है। मेरी धर्मपत्नी अभी वहीं गई है और मेरा उनसे मिलना आवश्यक है, लेकिन एक समस्या है, अगर मगध के सैनिकों ने मुझे पहचान लिया तो मृत्यु निश्चित है। मृत्यु? आपने कोई अपराध किया है क्या आचार्य? चंद्रगुप्त ने हैरानी भरे स्वर में पूछा। चाणक्य एक पल सोच में पड़ गए। धनानंद के दरबार में हुआ अपमान और अपनी शिखा को खोलने का दुख एक पल के लिए उनकी आंखों में झलक आया। अपने रोष को वश में करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रश्न का उत्तर दिया, अपराध धनानंद के मगध में सच एक अपराध के रूप में ही देखा जाता है, और जब मैंने राजा धनानंद का सच से सामना कराने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे अपराधी घोषित कर दिया और देश ने काजा की सजा दे दी। लेकिन उनको नहीं ज्ञात कि अगर देश प्रेम एक अपराध है तो यह अपराध मैं मरते दम तक करता रहूंगा। यह बोलते वक्त चाणक्य का चेहरा गर्व से चमक रहा था। उसके बाद उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, एक रास्ता है जहां से हम मगध में प्रवेश कर सकते हैं, उस द्वार पे सुरक्षा सबसे कम रहती है। ऐसा कहते हुए दोनों मगध की तरफ बढ़ चले। चाणक्य जैसे जैसे मगध के करीब बढ़ रहे थे, अपमान के रोष के साथ पत्नी की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। मगध की सीमा के समीप ही एक जगह ठहर कर चाणक्य ने सीमा का मुआयना किया और पाया कि अब इस हिस्से पर भी सुरक्षा दुगनी कर दी गई थी। धनानंद के सैनिक अपने हाथों में तलवारें लिए अंदर जाने वाले हर शख्स से कड़ी पूछताछ कर रहे थे। यह देख चाणक्य को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सुरक्षा सिकंदर के खतरे को भांपते हुए बढ़ा दी गई थी या फिर उनकी चुनौती ने राजा धनानंद को सच में हिला दिया था। चंद्रगुप्त ने सीमा द्वार की तरफ देखते हुए पूछा, आचार्य यहां तो बहुत कड़ी सुरक्षा है, इनसे लड़े बगैर अंदर प्रवेश करना मुश्किल है। चंद्रगुप्त की बात सुन चाणक्य कुछ सोचते हुए बोले, शस्त्र उठाना हर समस्या का हल नहीं होता चंद्रगुप्त, जब मुसीबत बुद्धिमानी से हल होने वाली हो तो शस्त्र उठाना मूर्खता है। यह कहकर चाणक्य ने वहां पास ही में दिख रही कुछ जड़ी बूटियों को पीसकर उनका लेप तैयार किया और एक वैद्य का भेष धारण कर चंद्रगुप्त को साथ ले मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गए। चाणक्य भी अन्य नागरिकों की तरह कतार में लग गए कि तभी एक सैनिक ने कतार में उनके आगे खड़े पुरुष को
अचानक से कुछ पूछताछ के बाद बंदी बना लिया। ये किसी को समझ में नहीं आया कि उसका कसूर क्या था, लेकिन चाणक्य समझ गए कि यह जरूर किसी राज्य का कोई गुप्तचर होगा और शायद इसी की तलाश के लिए आज इतनी कड़ी पहरेदारी लगाई हुई है। लेकिन अब बारी थी चाणक्य की। इससे पहले कि वो सैनिक चाणक्य से कोई प्रश्न करता, उन्होंने उसके सामने लेप रखते हुए उसे नमन किया और बोले, इससे पहले कि आप मुझसे प्रश्न करें, मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने हाथ पर हो रहे इस घाव पर ये लेप लगा लें। मेरी चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा कह रही है कि अगर इस घाव का जल्दी ही उपचार नहीं किया गया तो यह घातक बन सकता है। आप एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक हैं और एक आचार्य होने के नाते मेरा प्रथम दायित्व है मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे सैनिक की हर संभव सहायता करना। चाणक्य की बात सुन वो सैनिक एक पल के लिए अचंभित रह गया, लेकिन उनकी आंखों में झलक रहे सत्य और करुणा के भाव को देख उसने बगैर कोई प्रश्न किए चाणक्य का धन्यवाद किया और उन्हें प्रवेश करने की अनुमति भी दे दी। अब चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ अपने घर के निकट पहुंच गए, लेकिन गली में मुड़ने से पहले ही अचानक उनके कदम ठहर गए। चंद्रगुप्त ने हैरान होते हुए पूछा, क्या हुआ आचार्य, आप यूं अचानक रुक क्यों गए? चाणक्य ने इधर उधर देखते हुए कहा, धनानंद के गुप्त सैनिक मेरे घर के आसपास हो सकते हैं, जो संभवतः मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो अब क्या करें आचार्य? चंद्रगुप्त ने कहा, एक उपाय है, तुम एक भिक्षुक के वेश में मेरे घर जाओ। अगर कोई सैनिक यहां पे पहरेदारी दे रहा होगा तो खुद ही पता चल जाएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए कहा। चंद्रगुप्त ने हामी भरी और एक तरफ चल दिया। वो कुछ ही पलों में चाणक्य के घर के बाहर था। उसने हर तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां पे ऐसा कोई भी सैनिक या फिर गुप्त सैनिक नहीं दिखा। चंद्रगुप्त ने कुंडी खटखटाई और कुछ समय बाद यशोधरा ने दरवाजा खोला। यशोधरा का चेहरा चिंता में जैसे पीला पड़ चुका था। अपने स्वामी की कोई खबर न मिल पाने की चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। माता, कुछ भिक्षा मिलेगी? चंद्रगुप्त ने बड़े सहज अंदाज में कहा। यशोधरा का मन अंदर से विचलित था, लेकिन घर पर आए भिक्षुक को खाली हाथ तो नहीं भेज सकती थी। उसने एक मुस्कान के पीछे अपने दुख को छिपाया और चंद्रगुप्त को देखकर बोली, अवश्य पुत्र, घर में थोड़ा अनाज है, मैं लेकर आती हूं। फिर अचानक जैसे उसकी नजर चंद्रगुप्त के सूखे होठों पे पड़ी और उसने वो देखकर कहा, लगता है काफी देर से भटक रहे हो, तुम रुको, मैं अनाज और पानी दोनों लेकर आती हूं। ये बोलते हुए यशोधरा अंदर चली गई। चंद्रगुप्त यशोधरा की हालत देखकर हैरान था और साथ में चिंतित भी। यशोधरा की बनावटी मुस्कान के पीछे का दर्द चंद्रगुप्त को साफ नजर आ रहा था। कुछ ही समय में यशोधरा एक कटोरी में अनाज और पानी लेकर दरवाजे के पास आई तो सामने खड़े चाणक्य को देखकर खुशी से पागल हो गई। उसके हाथ से पानी का लोटा छूट गया। चाणक्य भी अपनी पत्नी को सकुशल देखकर खुश थे। दोनों की आंखों में आंसू छलक आए। आप कहां थे आप? मैं कितनी चिंतित थी, कहां चले गए थे आप? और ये बच्चा, ये आपके साथ है? यशोधरा ने अचानक से जैसे प्रश्नों की बाढ़ सी लगा दी। अपनी चिंता जताते हुए चाणक्य बोले, लेकिन तुमको यहां नहीं आना चाहिए था यशोधरा। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों अंदर आए। यशोधरा ने हाथ के इशारे से थोड़ा समय मांगा और तुरंत देवी की मूर्ति को प्रणाम करते हुए उनका धन्यवाद किया। उसके बाद वो नम आंखों से चाणक्य और चंद्रगुप्त के सामने आ बैठी। चाणक्य ने अपनी पत्नी के सवालों का एक एक करके उत्तर दिया और धनानंद के दरबार में हुए अपमान और फिर चंद्रगुप्त के मिलने के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया और फिर अंत में कुछ सोचते हुए बोले, यशोधरा, मुझे लगता है कि ज्योतिष महत्वाचार्य की भविष्यवाणी सच होने वाली है।
मैं राजा तो नहीं बना, लेकिन मैंने इस बालक को राजा बनाने का प्रण जरूर लिया है और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। उनकी खुली शिखा देख यशोधरा बोली, मुझे विश्वास है कि इस खुली शिखा को बांधने का मौका आपको अति शीघ्र मिलेगा। यशोधरा अपने पति को अच्छे से जानती थी कि अगर वो किसी चीज को ठान लेते थे तो उसे पूरा करके ही छोड़ देते। वो भी अभी अपने पति की इस निर्णय में भागीदार थी, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उसे यही थी कि चाणक्य सुरक्षित थे, उसके पास थे, क्योंकि पूरे नगर और दूर गांव तक फैली अलग अलग अफवाहों ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। कुछ लोग तो कह रहे थे कि धनानंद ने किसी ब्राह्मण को मृत्युदंड की सजा सुनाई है, और कोई कह रहा था कि एक ब्राह्मण ने जब धनानंद का अपमान करने का साहस किया तो उसने उस ब्राह्मण को बंदी बना के कारागार में डाल दिया है। लेकिन आज सच को सामने से जानकर उसे तसल्ली थी, अपने पति को सुरक्षित देख उसे खुशी हो रही थी। रात को जब यशोधरा भोजन की तैयारी कर रही थी तभी चाणक्य रसोई में आए। उनके हाथ में एक प्याले में रखा गाढ़ा सा पदार्थ था, जिसे देखकर यशोधरा ने उत्सुकतावश पूछा, यह कैसी औषधि लेकर आए हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? औषधि नहीं, विष है ये। ये सुनकर यशोधरा सन्न रह गई और संदेह भरे भावों में उसने पूछा, विष? लेकिन ये किस लिए स्वामी? ये चंद्रगुप्त के लिए है। एक बालक को जहर देने की बात जानकर यशोधरा के होश उड़ गए। उसे नहीं समझ आया कि चाणक्य ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक छोटे से बालक को इतना घातक जहर देने की बात क्यों कर रहे हैं वो?